तरन तारण के कस्बा पट्टी के सरकारी कन्या स्कूल के प्रिंसिपल स्टेट अवार्डी मुकेश चंद्र जोशी पर मिड डे मील के चावल बाजार में बेचने के आरोप लगे हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी से संबंधित कुछ लोगों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रिंसिपल काफी समय से मिड डे मील के लिए आया हुआ अनाज बाजार में बेच रहे थे, लेकिन आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। उन्होंने 6 बोरी चावल पुलिस को पकड़वाए जो कि प्रिंसिपल रिक्शे पर लादकर बाजार में बेचने जा रहे थे। इस बाबत कांग्रेस नेता रोहित कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सरकारी कन्या स्कूल पट्टी के प्रिंसिपल मिड डे मील का अनाज बाजार में बेचते हैं, जिस पर उन्होंने प्रिंसिपल पर नजर रखी और आज वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मिड डे मील के लिए बाजार में आए चावल पुलिस को पकड़वाए। बाड़वासी हरपाल सिंह ने कहा कि मिड डे मील के भोजन में सरकार की तरफ से मिलने वाले चावल प्रिंसिपल बाजार में 20 रुपए किलो के हिसाब से बेचते थे। उन्होंने प्रिंसिपल पर अन्य राशन भी बेचने का आरोप लगाया है। इस संबंध में स्टेट अवार्डी प्रिंसिपल मुकेश चंद्र जोशी ने कहा कि रंजिश की वजह से कुछ लोग उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। स्कूल के छात्रों को लगातार मिड डे मील मिले और इसलिए वो जब सरकार की तरफ से अनाज नहीं मिलता तो बाजार से उधार राशन लेते हैं, और जब सरकार की तरफ से राशन आ जाता है तो उधार लिया हुआ राशन वापस कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये उधार लिए हुए चावल थे जो वापस भेजे जा रहे थे। इस मामले में थाना पट्टी के सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार ने कहा कि उन्हें सरकारी कन्या स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मिड डे मील का राशन बाजार में बेचने की शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी आरोपी पाया गया उस पर